देखो फन विद मल्टीप्लीकेशन, फन मतलब मजा, मजे मजे में हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा सीखना है। देखो 0 इंटू 9 मतलब 0 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, 0 प्लस 1, 1, 9 इंटू 1, 9 कम 9, 9 प्लस 2, 11, ठीक है, 9 और 2 तो 11 ही होता है ना। अब देखो ऐसे ही यहाँ पर देखो 1, फिर 1, 1, फिर 1, 1, यहाँ पर कितना आएगा, 1, 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
1111111. आप चेक भी कर सकते हो इन दोनों को गुणा करके और इसके साथ जोड़ के भी देखोगे तो आंसर क्या आएगा, इतना ही आएगा। अब देखो एक दूसरे टाइप का गुणा है। अब तक जो हमने गुणा सीखे हैं ना या मल्टीप्लिकेशन किए हैं वो संख्याओं के थे, ठीक है, संख्याओं में ही तो करते हैं हम गुणा। हम गुणा ऐसे तो करते हैं, 5, 6, 2 को हम 3, 4 से ऐसे गुणा कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना हम गुणा। अब देखो यहाँ पर है गुणा ए ए का, देखो ए को ए से गुणा करके कितना आया, फिर ए को ए से गुणा करके, ए को ए से गुणा करके, फिर देखो यहाँ पर जीरो क्यों लगाया हुआ इसने, हाँ क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है क्रॉस। फिर देखो ए ए आया, फिर यहाँ पर 2 जीरो हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2 क्रॉस, तो फिर आ गया ए ए ए। अब देखो इस लाइन में कुछ नहीं था तो ए आया, ए ए यहाँ पर 2 ए थे तो क्या आया, बी। तो इसका मतलब बी का मतलब क्या है, दो। बी का मतलब क्या हो गया, दो। अब देखो यहाँ पे 3 ए हैं तो क्या आ गया, सी। इसका मतलब सी का मतलब कितना है, 3। ए ए फिर बी आ गया, 2 ए थे तो फिर बी की जगह 2 आ गया और ए की जगह ए आ गया। ए इज इक्वल टू है 1, बी इज इक्वल टू है 2 और सी इज इक्वल टू है 3। समझ गए। अब देखो ट्रिक्स विद योर एज, अब देखो एक जादू है, राइट योर एज, कोई भी बच्चा आपने एक एज बता दो, कोई भी बता दो 10, ठीक है। अब इसको 7 से गुणा करो, 70। फिर जो ये 70 आया है इसको 13 से गुणा करना है, तो 13 से 70 को गुणा करके कितना आएगा, 13 7 91 और एक जीरो है तो जीरो ऐसे उतरेगा। अब वो बोल रहे हैं कि फिर इसको 11 से गुणा करो, फिर इसको 11 से करना है गुणा। देखो जीरो का जीरो, 11 एकम 11, एक कैरी 11 9 99, 99 पर एक कैरी हमारे पास हो गया ये। नाउ लुक एट योर लास्ट आंसर, अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो लास्ट का जो आंसर है उसको देखो, लास्ट का आंसर क्या है हमारा, 10। कैन यू फाइंड योर एज इन द आंसर, मतलब जितना हमने पहले लिखा था उतना ही आंसर आ गया, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज योर एज शो इन द आंसर, नाउ ट्राई दिस ट्रिक विद अदर पीपल। अब देखो एक बार एक बच्चे को और लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि ट्रिक हमारी सही जा रही है कि नहीं। माने किसी बच्चे की एज कितनी है, 11, ओके। फिर 7 से गुणा करो इसको, 77। फिर इसको 13 से गुणा करो, देखो 13 7 91, फिर 9 कैरी, 13 7 फिर 91 9 100, ठीक हो गया। अब कैसे गुणा करना है इसको, 11 से 11 एकम 11, इस जीरो की जगह तो एक आ गया, 11 जीरो का जीरो, 11 एकम 11 आ गया लास्ट के दो आंसर। किसी भी एज से करोगे तो ये आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, ओके।